देश के जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की पाकिस्तान से सुरक्षित वापसी पर पूरे देश ने मनाया जश्न। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अपनी वीरता और साहस से देश का नाम रोशन करने वाले वीर का किया स्वागत। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्र को अपने इस जांबाज पायलट के अनुकरणीय साहस पर गर्व है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, लोकसभा चुनाव समय से होंगे। प्रत्याशियों द्वारा स्वयं की और अपनी पत्नी बच्चों के 5 साल की संपत्ति का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना होगा। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का किया शुभारंभ। लाभार्थियों को बांटे गोल्डन कार्ड। कहा, सरकार प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का लगातार काम कर रही है। और प्रयागराज कुंभ में हस्तलिपि चित्रकारी में बना गिरीश बुक का विश्व रिकॉर्ड। पेंट माई सिटी अभियान के तहत 7,000 से ज्यादा लोगों ने हाथ की छाप से बनाया जय गंगे का चित्र। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री और अब समाचार विस्तार से। देश के जाबाज पायलट और मां भारती के वीर सपूत विंग कमांडर अभिनंदन का कल रात पाकिस्तान से अपने मुल्क भारत वापस लौटाए। उनकी स्वदेश वापसी की खुशी का नजारा देश भर में देखने लायक था। विंग कमांडर अभिनंदन को बाद में विमान से राजधानी दिल्ली लाया गया, जहां लोगों ने पालम हवाई अड्डे पर उनका शानदार स्वागत किया। देश की हर आम व खास ने उनकी सुरक्षित वापसी पर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र को जांबाज पायलट के अनुकरणीय साहस पर गर्व है। अभिनंदन अभिनंदन, पूरा देश एक साथ बोल पड़ा जब वीरता शौर्य और साहस के प्रतीक विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान वतन वापस लौटे। देश उनकी सकुशल वापसी के लिए हाथ उठाया था। वाघा बॉर्डर उनके स्वागत और दीदार के लिए बेताब था। प्रतीक्षा की घड़ियां भीड़ के उत्साह को बेअसर साबित कर रही थीं, क्योंकि उसे इंतजार था अपने गौरव सम्मान आन बान और शान की वापसी की। और करीब 9:15 बजे देशवासियों का यह इंतजार खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनका स्वागत किया। पीएम ने कहा कि राष्ट्र को आपके अनुकरणीय साहस पर गर्व है। विंग कमांडर अभिनंदन हैज जस्ट बीन हैंडेड ओवर टू अस एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ही विल नाउ बी टेकन फॉर ए डिटेल्ड मेडिकल चेकअप। दिस चेकअप इज मैंडेटेड पर्टिकुलरली बिकॉज द ऑफिसर हैज हैड टू इजेक्ट from an aeroplane which would have put his entire body under great stress. IAF is happy to have Abhinandan back. अभिनंदन के सकुशल वापसी की खबर मिलते ही पूरा देश जश्न में डूब गया। पूरा इंडिया बहुत खुश है, हम इंडिया की जीत मानते हैं। अभिनंदन जी के आने से हम लोगों को बहुत खुशी है। आज पूरा दिल्ली पूरा इंडिया उनका स्वागत करने के लिए इंडिया गेट पे आई हुई है। अभिनंदन सर इज बैक, बट आई लेट वांट पाकिस्तान टू नो दैट वी हैव लैक्स ऑफ अभिनंदन इन इंडिया एंड वी आर विद आर्मड फोर्सेज। इट्स नॉट इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, इट्स इंडिया वर्सेज टेररिस्ट। वी आर विद आर्मड फोर्सेज, वी आर विद गवर्नमेंट। अभिनंदन भारत के वो जाबाज सैनिक हैं जिन्होंने भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने आए न सिर्फ पाकिस्तानी विमानों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया, बल्कि युद्धक विमान F-16 को धूल भी चटा दी। इस कार्रवाई के दौरान विंग कमांडर का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वे पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गए। भारत ने उनकी सफलतापूर्वक वापसी के लिए पाकिस्तान पर कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव बनाए। इसके नतीजे में पाकिस्तान को झुकना पड़ा और उनकी वापसी का ऐलान करना पड़ा। इस दौरान दुनिया न सिर्फ भारतीय रणबांकुरों के पराक्रम की गवाह बनी, बल्कि पूरा देश अपने निगहबानों के फौलादी इरादों के साथ एकजुट खड़ा दिखा। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनका स्वागत करते हुए उनके साहस और कर्तव्य की भावना पर गर्व जताया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान स्वदेश लौटने पर आपका हार्दिक स्वागत है। पूरे देश को आपके साहस और कर्तव्य परायणता और प्रबल आत्मगौरव पर नाज है। आपको और हमारी वायुसेना को भविष्य में सदैव सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी विंग कमांडर अभिनंदन का वतन वापसी पर खुशी जताई है। अपने ट्वीट पर उन्होंने कहा कि पूरे देश को आप पर गर्व है। विंग कमांडर अभिनंदन पूरा आपके पराक्रम और साहस की सराहना करता है। आपने अपने मुश्किल हालात में हिम्मत बनाए रखी। आप हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सलाम वंदे मातरम।
विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी पर देश भर में जश्न का माहौल है। देश के हर हिस्से में विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी को लेकर खुशियां मनाई गई। राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट और कई जगहों पर बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने पहुंचे। प्रदेश के मुरादाबाद में भी लोगों ने अभिनंदन की वापसी को लेकर खासा जोश देखने को मिला। पाकिस्तान के F-16 विमान को ध्वस्त करने वाले जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन के पाक से वतन वापस लौटने पर ताज नगरी में जगह जगह आतिशबाजी, मिष्ठान और ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य कर जश्न मनाया गया। हर नागरिक के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। विभिन्न सामाजिक संगठन, हिंदू संगठन, राजनीतिक दलों द्वारा फाइटर पायलट अभिनंदन के पाक से रिहा होते ही सभी जश्न के रंग में सराबोर हो गए। इस दौरान लोगों द्वारा तिरंगा यात्रा निकालकर भारत माता की जयकारे लगाए गए। वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी जमकर लोगों द्वारा नारे लगाकर अपना विरोध प्रकट किया गया। विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी पर बरेली के लोगों ने खुशी जताई और भारत माता की जय के नारे लगाकर अभिनंदन का स्वागत किया। विंग कमांडर अभिनंदन सिंह की वापसी पर लोगों ने कहा कि यह देश की सरकार की कूटनीति का ही नतीजा है कि अभिनंदन की वापसी के लिए पाकिस्तान इतनी जल्दी तैयार हो गया। कैप्टन की वापसी पर जनता ने सरकार को धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री की विदेश नीति की प्रशंसा की। फ्रांस ने हर तरह के आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत के साथ अपनी पूरी एकजुटता का संकल्प दोहराया है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद जताई और भारतीय वायुसेना के चालक अभिनंदन वर्तमान की रिहाई का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस अपनी ओर से हर संभव ऐसी कोशिशें करेगा जिसमें पुलवामा में हुए भयानक हमले के जिम्मेदार तत्वों पर प्रतिबंध लगेगा। फ्रांस आज से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है। इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक ताजा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की व्यवस्था है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कल सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक अधिकारी समेत चार सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। इस संघर्ष में एक नागरिक की भी मौत हो गई। मुठभेड़ में दो आतंकी भी ढेर हो गए। आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा के जिले के बाबाकुंड इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। आज तड़के मुठभेड़ खत्म हुई। उधर पुंछ में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारी गोलीबारी में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्टार के गोले और गन से आम नागरिकों के इलाके को निशाना बनाया। भारतीय बलों ने इसका करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी बल लगातार राजौरी और पुंछ जिलों में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अधिकारियों ने राजौरी और पुंछ जिलों की नियंत्रण रेखा के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शैक्षिक संस्थानों को स्थायी तौर पर बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने सीमा पर रहने वाले सभी निवासियों से अपने घरों के भीतर रहने के लिए कहा है। आतंकवाद के खिलाफ जंग और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की मुहिम में भारत को कल एक और बड़ी कामयाबी मिली है। भारत की विदेश मंत्री कल पहली बार इस्लामिक देशों के संगठन में शामिल हुई। विदेश मंत्री ने IOC के मंच में आतंकवाद के खिलाफ जोरदार हमला बोला और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आतंकवाद पर जोरदार प्रहार किया और पूरी दुनिया से इससे मिलकर लड़ने की अपील की। संगठन की 2 दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म बियर डिफरेंट नेम्स एंड लेबल्स। इट यूजेस डाइवर्स कॉजेस बट इन ईच केस इट इज ड्रिवन बाय डिस्टॉर्शन ऑफ रिलीजन and a misguided belief in its power to succeed. The fight against terrorism is not a confrontation against any religion. It cannot be. करीब 17 मिनट के अपने भाषण में सुषमा स्वराज ने संगठन के तमाम देशों को
आतंकवाद के खतरे के प्रति आगाह किया और बताया कि कैसे इसका दायरा बढ़ रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ केवल सैन्य अभियान और कूटनीति से नहीं लड़ा जा सकता, बल्कि धर्म के सही मायने समझकर इससे लड़ा जा सकता है। There is a verse in the Holy Quran which says, La ikra fi ad-deen. Let there be no compulsion in religion. There is another surah, Al-Hajurat, which says, O mankind, we created you from a single pair of male and female and made you into nations and tribes so that you may know one another, not that you may despise one another. सुषमा स्वराज ने किसी देश का नाम लिए बगैर कहा, The infrastructure of the terrorist camps and stop providing funding and shelter to the terror organizations based in that country. 57 सदस्यीय इस्लामिक समूह की बैठक के इस अहम मंच से सुषमा स्वराज ने देश की विविधता का जिक्र किया और कहा कि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम सौहार्द के साथ रहते हैं और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कट्टरवाद के चंगुल में फंस गए हैं। Our Muslim brothers and sisters are a microcosm of the diversity of India. They speak Tamil and Telugu, Malayalam and Marathi, Bangla and Bhojpuri, and any of the numerous languages of India. They practice their respective beliefs and live in harmony with each other and with their non-Muslim brethren. It is this appreciation of diversity and coexistence that has ensured that very few Muslims in India have fallen prey to the poisonous propaganda of radical and extremist ideologies. इस्लामिक देशों के इस समूह ने पहली बार अपनी बैठक में भारत को आमंत्रित किया है। सुषमा स्वराज को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। हालांकि पाकिस्तान ने भारत को आमंत्रित करने का विरोध किया, लेकिन उसे यहां भी मुंह की खानी पड़ी और उसका विरोध दरकिनार कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव समय से होंगे। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा स्वयं का और अपनी पत्नी या अपने बच्चों के 5 साल की संपत्ति का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कल लखनऊ में अपने 3 दिवसीय दौरे के अंत में मीडिया से बातचीत में कहा कि इस रिकॉर्ड की आयकर विभाग से जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को देश और विदेश में भी मौजूद संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। फॉर्म 26 में दिए जाने वाले शपथ पत्र में ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए आपको स्पेशली हाईलाइट करना चाहता हूं। फॉर्म 26 में दिए जाने वाले शपथ पत्र में अब प्रत्याशियों को अपने पति पत्नी आश्रित पुत्र पुत्री और HUF के 5 सालों की आय का विवरण देना होगा। नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब भारत में स्थित एसेट्स के साथ साथ विदेश में स्थित एसेट्स का विवरण भी पैन के साथ अनिवार्य कर दिया गया है। शपथ पत्र में दिए गए एसेट्स की आयकर विभाग द्वारा जांच की जाएगी और आयकर विभाग द्वारा पाई गई विसंगतियों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने ईवीएम वीवीपैट के साथ पर्ची गिनी जाए राजनीतिक दलों की चिंताओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर अभियान चलाकर काम किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली बार सी विजिल ऐप का प्रयोग किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि हाल ही के दौरान 5 राज्यों में हुए चुनाव के दौरान इस ऐप का प्रयोग किया गया था। आदर्श आचार संहिता की कड़ी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ताकि राजनीतिक दलों और आम मतदाता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आश्वस्त हो सकें। इस दिशा में प्राप्त प्रत्येक शिकायत पर तत्परता से पुख्ता कार्रवाई की जाए। आगामी लोकसभा चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता एवं अन्य नियमों के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी विजिल ऐप को चुनाव के समय राज्य में लॉन्च किया जाएगा और यूपी में ये पहली बार एक तरह से इसका इस्तेमाल होगा क्योंकि यूपी में चुनाव ही अब हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोकभवन में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। वहीं आरोग्य केंद्र एवं एमसीएच विंग का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उन्होंने टेली मेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी सेवा का भी लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का शुभारंभ कर गोल्डन कार्ड आरोग्य कार्ड का भी पत्र वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आरोग्य केंद्रों पर कार्यरत जीएनएम और एएनएम को टैबलेट भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमने प्रदेश को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का काम किया है और सरकार लगातार इसके लिए काम कर रही है। 17 ऐसे जो 100 शैयाओं युक्त एमसीएच विंग हैं, उनका भी आज जहां लोकार्पण किया जा रहा है, साथ ही साथ इससे पहले भी बहुत सारे स्थानों पर इस प्रकार के जो विंग स्थापित हुए हैं, बने हैं, उनको लोकार्पित करके जनता को समर्पित किया गया है। लेकिन आजादी के बाद 1947 से लेकर के अगर आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति क्या थी, 1947 से 2014 तक प्रदेश के अंदर सरकार के स्तर पर आजादी के पहले से लेकर के और 2014 तक केवल 13 राजकीय मेडिकल कॉलेज बने थे और आज के दिन पर हम 15 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, 2 एम्स बना रहे हैं, 1 एम्स के समकक्ष हॉस्पिटल बना रहे हैं और एक कैंसर संस्थान अभी 15 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को समर्पित किया है वाराणसी में। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद में एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी, विपक्ष के गठबंधन और कांग्रेस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सेना की बहादुरी और अभिनंदन की देशभक्ति को सलाम करता हूं। अभिनंदन ने पाकिस्तान के सिकंजे में रहने पर भी अपनी पूरी बहादुरी का परिचय दिया। वहीं सपा बसपा के गठबंधन सवाल पर उन्होंने कहा कि यह नापाक गठबंधन है, यह स्वार्थ पर आधारित है, इनका जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। यह गठबंधन निहायत ही स्वार्थों का गठबंधन है। वहीं प्रियंका गांधी के कांग्रेस में सक्रिय होने पर भी उन्होंने निशाना साधा। अभिनंदन करता हूं क्योंकि पाकिस्तानियों के शिकंजे में कसने के बावजूद भी उन्होंने बहादुरी से उनका मुकाबला किया और पूरा दुनिया आज भारत के साथ खड़ा हो गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कहा था कि भारत मां का सिर झुकने नहीं देंगे। उन्होंने न केवल कहा था बल्कि करके दिखाया और पाकिस्तान को मजबूर किया, अभिनंदन को सकुशल भारत वापस करने के लिए मजबूर किया और यही कारण है कि आज पूरा देश अभिनंदन के अभिनंदन में जश्न मना रहा है। गोंडा जिले में चुनाव की घोषणा होने के कुछ ही दिन पूर्व समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री, सांसद कैसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह व सांसद गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह सहित अलग अलग विधानसभाओं के विधायकों द्वारा 285 करोड़ रूपये की लागत से 341 सड़कों का लोकार्पण किया गया है। 341 सड़कों में 701 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण और मरम्मत के कार्यों की सौगात दी गई है। जिले का यह पहला अवसर है जब इतने भारी पैमाने पर सड़कों का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है। इस अवसर पर सांसद ब्रजभूषण सिंह ने बताया कि 29,000 रूपये की लागत से पिछले 12 वर्ष में पहली बार इतनी मात्रा में सड़कों की सौगात दी गई है। माननीय योगी जी और माननीय केशव प्रसाद मौर्य द्वारा ये हमारे जिले में लगभग 29,000 करोड़ का जो है अब तक बजट जो उन्होंने दिया है उसी का उद्घाटन कार्यक्रम था जिसका शिलान्यास या उद्घाटन जो भी आप नाम दें हमारे जिले के वरिष्ठ मंत्री माननीय रमापति शास्त्री जी ने किया है और इसी अवसर पर आज हम सब लोग यहां पर इकट्ठे थे। आयुष्मान भारत योजना उन जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जो लोग निजी अस्पतालों में इलाज की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस योजना के तहत 2,000 से ज्यादा लोग नया जीवन जी रहे हैं। इस योजना के तहत श्रावस्ती जनपद में 66,603 परिवार इस योजना से जुड़े हैं जो इस योजना के तहत निजी व सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज ले पा रहे हैं।
वहीं इन सभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्रों में गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब तक जनपद में 14,000 गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिले में अब तक 300 से अधिक लोग इसका लाभ भी ले चुके हैं। लाभार्थी संगीता कहती है कि हम बहुत गरीब परिवार से हैं, लेकिन ये कार्ड मिलने से हमें हर जगह निःशुल्क इलाज मिल रहा है। ये जो योजना है हमारे ये मोहल्ले की आंगनबाड़ी जो है उन्होंने दिया है। उन्होंने ही ये बताया कि ये आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख का बीमा आपका होगा, जिससे आपके पूरे परिवार को कहीं भी भारत के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाने से, सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से 5 लाख तक का फ्री सेवा निःशुल्क इलाज होगा। अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे गरीब बच्चों का इलाज होगा, हम लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं। मोदी सरकार ने ये योजना करवाई है तो हमको बहुत मतलब गर्व है। मोदी सरकार को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद हम करते हैं परिवार के लिए। मोदी जी को धन्यवाद। लग रहा है कि जैसे मोदी जी लाए हैं, चलाए हैं तो अच्छा ही चलाए हैं। यही है कि हमारे बच्चों का इलाज हो जाएगा, हमारे परिवार का इलाज होगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ चित्रकूट जिले की जनता को मिलने लगा है। इस योजना के तहत मिले गोल्डन कार्ड से कार्ड धारक सामान्य और गंभीर बीमारियों सहित करीब 1300 बीमारियों का देश में कहीं भी चिन्हित अस्पतालों में एक वर्ष में 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। जल गए थे 6-7 महीने हो गए, जले गांव में कराए थे तब नहीं, जब ठीक हुआ तब हम यहाँ पर आए हैं, तब दवा कराने रहे, तब यहाँ पर हमको फायदा हुई है। तब इलाज हम पहले गांव में कराते थे, करबी में कराते थे, फिर जब नहीं ठीक हुआ तब हम यहाँ पर आए। लड़की को खाना बनाते समय जल गई थी पैर इसका, तो इसकी सारी दवाएं कराई गई गांव में, फिर करबी में लाया गया, फिर इनके पास पैसा नहीं था। पैसा न होने के कारण इसके बाद अभी एक महीने पहले स्मार्ट कार्ड इनको मिला, तो उस स्मार्ट कार्ड से इनकी दवा फ्री होने लगी, तो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल ले आए, लाया गया, इसका ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन से इसको काफी लाभ है। गोल्डन कार्ड से ऑल ओवर इंडिया कहीं भी इलाज करा सकता है मरीज अपना। जैसे कि मालूम है इसमें काफी बीमारियां कवर हैं, 1350 से करीब बीमारियां इसमें कवर्ड हैं। हॉस्पिटल्स प्राइवेट भी काफी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स इसमें इम्पैनल्ड हैं, हमारे जनपद में नहीं है लेकिन इलाहाबाद हमारे नजदीक पड़ता है, इलाहाबाद है, बांदा है, और जगह हैं सब ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो गोल्डन कार्ड से जो हमारे जनपद के जो मरीज हैं, जो लाभार्थी हैं आयुष्मान भारत के अंतर्गत, वो अपना इलाज कहीं भी जाकर करा सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच हैदराबाद में आज खेला जाएगा। टीम इंडिया के पास वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों को परखने के लिए यह सीरीज आखिरी मौका है। 5 मैचों की वनडे सीरीज में भी टीम इंडिया कई प्रयोग कर सकती है ताकि विश्व कप के लिए टीम सुनिश्चित हो सके। लोकेश राहुल, ऋषभ पंत, विजय शंकर और सिद्धार्थ कौल ये 4 खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में 2 उपलब्ध जगह के लिए जद्दोजहद करेंगे। और आइए अब चलते हैं कुंभ के महत्वपूर्ण समाचारों की ओर। प्रयागराज कुंभ में हस्तलिपि चित्रकारी में नया विश्व कीर्तिमान बनाया है। पेंट माई सिटी अभियान के तहत रिकॉर्ड संख्या में हाथ की छाप से जय गंगे का चित्र बनाया गया। हस्तलिपि चित्रकारी में स्कूली छात्र छात्राएं, सुरक्षा बलों, संत महात्माओं, सफाई कर्मियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, वृद्धजनों समेत भारी जनसमूह ने हिस्सा लिया। 7,000 से अधिक हस्तलिपियों से निर्मित चित्र ने गिनीज बुक का विश्व रिकॉर्ड बनाया। गिनीज विश्व रिकॉर्ड बुक के निर्णायक मंडल की टीम ने उपस्थित रहकर मॉनिटरिंग की।
सियोल में 4,675 लोगों के रिकॉर्ड को प्रयागराज मेला प्राधिकरण की हस्तलिपि चित्रकारी ने पीछे छोड़ा है। और आइए बात करते हैं नेत्र कुंभ की। कुंभ मेला क्षेत्र में इस बार आंखों की जांच का रिकॉर्ड बन गया है। कुंभ मेले में इस बार नेत्र कुंभ आयोजित किया गया जो 12 जनवरी से 4 मार्च तक है। मेला अवधि में नेत्र कुंभ के माध्यम से अब तक 2,00,000 मरीजों की आंखों का इलाज हो चुका है। इस दौरान 1,50,000 चश्मों का वितरण भी किया जा चुका है। इसके लिए देश के 360 नेत्र विशेषज्ञों की एक टीम भी यहां तैनात है। इस टीम ने 9 महीने के बच्चों से लेकर 102 वर्ष तक के मरीजों का भी इलाज किया है। 12 जनवरी से हम लोगों ने की शुरुआत करी। इसमें 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी सेवाभावी ऑर्गेनाइजेशन हैं और अस्पताल हैं जिन्होंने इसको 12 जनवरी से और हम लोग 4 मार्च तक ये कैंप चलाएंगे। इसमें अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 2,00,000 मरीज देख लिए हैं और 1,50,000 चश्मों का हम लोग मुफ्त वितरण कर चुके हैं। हम लोग प्रयागराज से आए हुए हैं और यहाँ का हमने सुना था कि कैंप बहुत अच्छा, बाहर के डॉक्टर आए हुए हैं पूरा इलाज करने के लिए। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। देश के जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की पाकिस्तान से सुरक्षित वापसी पर पूरे देश ने मनाया जश्न। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अपनी वीरता और साहस से देश का नाम रोशन करने वाले वीर का किया स्वागत। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि लोकसभा चुनाव समय से होंगे। प्रत्याशियों द्वारा समय की और अपनी स्वयं की और अपनी पत्नी बच्चों की 5 साल की संपत्ति का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना होगा। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का किया शुभारंभ। लाभार्थियों को बांटे गोल्डन कार्ड, कहा सरकार प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का लगातार कर रही है काम। और प्रयागराज कुंभ में हस्तलिपि चित्रकारी में बना गिनीज बुक का विश्व रिकॉर्ड। पेंट माई सिटी अभियान के तहत 7,000 से ज्यादा लोगों ने हाथ की छाप से बनाया जय गंगे का चित्र। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।